सिर्फ पुरुषार्थ जार्थ ही करने से तुम ऊंच पद पावेंगे। पुरुषार्थ को अधूरा बीच में नहीं छोड़ना है और पूरा पुरुषार्थ करना है, एक एक सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बहुत लंबे चौड़े उस पढ़ाई की तरह सब सब्जेक्ट है नहीं, चार सब्जेक्ट हैं। उसमें भी बताते हैं कि एक याद का सब्जेक्ट भी अगर 100% पक्का हो जाए तो गारंटी है कि और बाकी जो तीन सब्जेक्ट हैं वो भी पक्के हो जाएंगे। बूढ़ी माताएं हैं, शरीर चलता नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, भाषा जानती नहीं है, सेवा नहीं कर सकती, लेकिन बाप को तो याद कर सकती है। बहुत सी माताएं कहती है हमें ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, परिवार में बच्चों की पैदाइश करते करते सारी बुद्धि घिस गई। जब तक सुनते हैं तब तक याद रहता है और बाद में सारा भूल जाता है। तो ज्ञान की किचकिच विस्तार में भी तुम्हें जाने की दरकार नहीं है। आदि में भी बिंदी और अंत में भी क्या बनना है? बिंदी बनना है। अपनी आत्मा को याद करते रहो, बाप को याद करते रहो, तो ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का हो जाएगा। याद तुम्हारी इतनी तीखी हो जाएगी जो वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया की सेवा करते रहेंगे। संकल्प किया और सिद्ध हुआ, और क्या चाहिए? ज्ञान का सब्जेक्ट भी पक्का हुआ, सेवा का सब्जेक्ट भी पक्का हुआ, रही धारण। धारणा तो आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताओं में स्वतः ही होती है। देवताएं जन्म लेते हैं देवताओं के गर्भ से, तो उन्हें धारणा करनी पड़ती है क्या? नहीं, जन्म जात उनमें वो गुण होता है आत्मिक स्थिति के कारण। तो सिर्फ आत्मा समझना है, बाकी तीनों सब्जेक्ट स्वतः ही पक्के हो जाते हैं। आत्मा समझेंगे तो आत्मा से दूर बाप, परमात्मा बाप है ही नहीं। जहां जहां तुम आत्मिक स्थिति में बैठे हैं बाप समझो तुम्हारे साथ ही है, दूर नहीं रह सकता।